जय हिंद दोस्तों, मेरा चैनल अबाउट रेलवे, जो कि एक पूर्ण रूप से रेलवे की जानकारी जिस हद तक हो मैं पूरी देने की कोशिश करूँगा। मैं आपका ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि रेलवे की वैकेंसी पिछले 2 सालों से लंबित है, बहुत ही लंबा समय है, 2 साल, जो कि 12 मार्च 2019 से फॉर्म भरने शुरू हुए थे इसके, जो अब तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। इसका एग्ज़ाम सितंबर में दिया था बोर्ड ने ऐसा, पर एग्ज़ाम नहीं हुआ। और इसकी लास्ट डेट थी 12 अप्रैल 2019। उस हिसाब से एक महीने के थे, एक महीने तक फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन 12 मार्च से 12 अप्रैल तक, और इसका एग्ज़ाम दिया था उस वक्त सितंबर, पर किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया एग्ज़ाम, या कोरोना या कुछ भी आप समझ लीजिए, नहीं हो पाया, जिस कारण से बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आई हैं। आप सबको बहुत इंतज़ार भी था इस एग्ज़ाम का, आप सबने बहुत मेहनत करी है इस एग्ज़ाम को वो करने के लिए कि हमारा एग्ज़ाम हो, हमारा एग्ज़ाम हो। आपने कई बार ट्विटर पे अभियान चलाया है और बहुत कुछ, जिसके फलस्वरूप सरकार ने बच्चों की भी परेशानी देखी कि हाँ, 1 साल 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं लंबित हुए, आप पेपर कराने चाहिए। आपको बता दूँ दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप सबने एजुकेशनल वीडियो तो बहुत देखी होंगी और आप पढ़ते भी होंगे, पढ़ना भी चाहिए, एग्ज़ाम है, पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको भी तो पता होना चाहिए कि हम लगने के बाद क्या जॉब करेंगे, क्या हमारा मोटिव रहेगा, क्या करना है हमें, इसलिए मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। ये सब मैं आपको बताऊँगा क्योंकि एजुकेशनल वीडियो तो सब बना ही रहे हैं, लास्ट मेरिट कितनी पर जाती है, स्टडी का तरीका क्या होना चाहिए, क्या बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, सिलेक्शन कंफर्म कैसे हो। अब ये देखिए, ये था वो डेट ऑफ पब्लिकेशन 23 फरवरी 2019, और ये नोटिफिकेशन जो आया था, इसका नोटिफिकेशन लेवल वो है, नोटिफिकेशन नंबर है RRC 01-2019, यानी जनवरी 2019, और यही है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि 12 मार्च 2019 से स्टार्ट हुई थी और 12 अप्रैल 2019 तक थी। कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर टेस्ट दे रखा था, CBT दे रखा था इसका सितंबर अक्टूबर 2019, पर हुआ नहीं, जो कि अब 2 साल खींच चुके हैं लगभग। तो दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं थोड़ी बहुत ही जानकारी दे रहा हूँ कि मेरी वीडियो किस तरह की होगी, इन सब चीज़ों के बारे में ही मैंने आपको बताया। तो आइए अब जान लेते हैं कि वैकेंसी कौन से जोन में कितनी वैकेंसी हैं। देखिए, ये देखिए, टोटल वैकेंसी जो है आपकी 103,739 हैं, जिनमें जनरल वैकेंसी 42,355, OBC की 27,378 और EWS इकोनॉमिकल वीक वाले की 10,381 हैं, SC की 15,559 और ST की 7,984 हैं, जिनमें 16 जोन की वैकेंसी हैं और सबके अलग अलग बटी हुई हैं। जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, अधिकतर यूपी के बच्चे, मेरा मानना है यूपी सबसे बड़ा ज़िला है, ये मानना ही क्या है, यूपी सबसे बड़ा ज़िला है, इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया है, उसमें जनरल की वैकेंसी 2,080, OBC की 1,175, EWS की 474, SC की 678 और ST की 317 हैं। और नॉर्थन रेलवे यानी न्यू दिल्ली, इसमें जनरल की वैकेंसी है 5,144 और OBC की 3,644 और EWS की 1,317 और SC की 2,017 और ST की 103,739 हैं, जिनमें जनरल वैकेंसी 42,355, OBC की 27,378 और EWS इकोनॉमिकल वीक वाले की 10,381 हैं,
एससी की 15,559 और एसटी की 7,984 हैं, जिनमें 16 जोन की वैकेंसी हैं और सबके अलग अलग बटी हुई हैं। जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, अधिकतर यूपी के बच्चे, मेरा मानना है यूपी सबसे बड़ा ज़िला है, ये मानना ही क्या है, यूपी सबसे बड़ा ज़िला है, इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया है, उसमें जनरल की वैकेंसी 2,080, ओबीसी की 1,175, ईडब्ल्यूएस की 474, एससी की 678 और एसटी की 317 हैं। और नॉर्थन रेलवे यानी न्यू दिल्ली, इसमें जनरल की वैकेंसी है 5,144 और ओबीसी की 3,644 और ईडब्ल्यूएस की 1,317 और एससी की 2,017 और एसटी की 1,031। अब देखिए, कुछ बच्चों का फ़ोटो रीअपलोड के लिए ये नोटिस आया था, तो इसमें से 4,85,607 बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था रेलवे बोर्ड ने। क्यों? क्योंकि उनके कुछ फ़ोटो में खराबी हो गई थी। खराबी मतलब कि जैसे किसी के कान नहीं दिखते हैं, या फिर कोई चश्मा पहन के फ़ोटो खिंचवा लेता है, या किसी का ज़्यादा ओल्ड फ़ोटो होता है, इतना साफ नहीं आ पाता, सिग्नेचर किसी के क्लेरिफाई नहीं हो पाते, के लिए रेलवे ने ये दोबारा रीअपलोड फ़ोटो सिग्नेचर, ये एक तरीका भी बढ़िया है, क्योंकि कुछ बच्चों से हो जाती हैं गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, तो रेलवे ने गलती सुधारने का मौका दिया है और दोबारा फॉर्म रीअपलोड करवाने के लिए फॉर्म कह रहा हूँ, सिग्नेचर एंड फ़ोटो रीअपलोड करवाए हैं, ताकि आप सब जो बच्चे रह गए हैं 4,85,607, ये बच्चे भी पेपर दे सकें। सबका के पेपर देने का, सबने फीस जमा करी है, और यही बात है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। ओके भाई, मिलते हैं अगली वीडियो।